ये बड़ी खबर प्रदेश के भरतपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। उद्योग नगर थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। दूसरी पत्नी और पुत्र ने षड्यंत्र रचकर कराई थी ये हत्या। तो इस वक्त भरतपुर से बड़ी खबर है, मृतक की दूसरी पत्नी और पुत्र ने ही हत्या की सुपारी दी थी। आपको बता दें कि 15 फरवरी को अजान गांव के पास नाथूराम उर्फ नत्थी का खेत में शव मिला था और सीओ ग्रामीण ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, सीओ सिटी सतीश वर्मा, उद्योग नगर थाना प्रभारी महेंद्र राठी ने इस मामले की गहनता से जांच की और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आखिरकार एक नई घटना सामने आई और इस घटना में पता चला कि मृतक की दूसरी पत्नी के अवैध संबंध से परेशान था मृतक नाथू और वहीं पहली पत्नी का पुत्र दीपक जमीन बेचने का बनाता था दबाव। दूसरी पत्नी रन्या और पुत्र दीपक के बीच भी नजदीकियां बढ़ गई थी और दूसरी पत्नी और पुत्र ने रिश्तेदार को 2 लाख में दी थी हत्या की सुपारी और बाद में रिश्तेदार ने गला घोंटकर नाथूराम की हत्या कर दी थी। तो ये ब्लाइंड मर्डर केस जो था उसका पूरा खुलासा है। तो इस बारे में और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं भरतपुर संभाग प्रभारी दीपक लवानिया का। जी दीपक, बहुत ही उलझा हुआ रिश्तों का मामला है ये और इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है, अभी क्या अपडेट है? 15 फरवरी को जब उद्योग नगर थाना पुलिस में सूचना मिली थी जी, एक व्यक्ति का शव खेतों में पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले की पुलिस ने तभी से जांच शुरू कर दी थी कि आखिर ये इसकी हत्या किसने की है। पुलिस ने जांच की तो पूरा मामला सामने आया है और ब्लाइंड मर्डर का आज पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी श्याम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी जो दूसरी पत्नी थी मृतक नाथूराम उर्फ नत्थी जी मृतक है, इसकी दूसरी पत्नी थी, उसने अपने किसी रिश्तेदार को सुपारी दी 2 लाख रुपए की और जो इसकी पहली पत्नी का पुत्र था वो भी इस घटना में शामिल था। वो अपने कर्जों को चुकाने के लिए पिता पर लंबे समय से दबाव बना रखा कि जो जमीन है उसको बेच दे जी। दूसरी पत्नी और पहली पत्नी का पुत्र आपस में मिल रहे, दोनों की नजदीकियों पर गई और जो मृतक है वो अपनी दूसरी पत्नी से इस बात को लेकर भी परेशान था कि उसकी पत्नी के गांव के ही एक व्यक्ति के अवैध संबंध थे, इस बात को लेकर दोनों के बीच में लगातार विवाद भी चलता रहा था जी। उसकी पहली पत्नी का पुत्र और दूसरी पत्नी ने षड्यंत्र किया है और एक रिश्तेदार को 2 लाख रुपए की सुपारी दी और उस रिश्तेदार ने खेत पर ले जाकर गला घोटकर नाथूराम उर्फ नत्थी की हत्या कर दी थी और शव को पुलिस को बिना सूचना दिए अंतिम संस्कार भी कर रहे थे, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। जी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जी दीपक, बिल्कुल बहुत ही उलझे हुए रिश्ते थे और इन रिश्तों में ही एक ऐसी संगीन वारदात को अंजाम दिया गया जिसको ब्लाइंड मर्डर जो केस था आखिरकार पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर खुलासा कर दिया। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक लवानिया, भरतपुर संभाग प्रभारी, जो इस मामले में पूरी जानकारी दे रहे थे।